एक योद्धा की अनसुनी कहानी, जिसकी कथा महाभारत की कथा का भाग होते हुए भी व्यास मुनि के महाभारत में नहीं पाई जाती। एक गुमनाम योद्धा, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र बारबारिक। इसी महायोद्धा के कहानी की ये केवल एक कल्पना है। कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, मानो जैसे महाकाली के प्याले में बहने वाली अखंड रुधिर धारा निपात प्रवाह बनकर भूमि पर बहने लगी। सूर्यवंशी भूमिपतियों ने धरा की मांग मानो रक्त रूपी कुमकुम से श्रृंगारित कर दी हो। रक्त कुमकुम का लेप लगाकर घोड़े, हाथी और मानवों के मेदमास की आरक्त में खला सजाकर मानो मृत्यु देवता नाच रही हो। पर यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम जानते हैं। जब अधर्मियों का उन्माद पृथ्वी को ताप देने लग जाए, जब धर्मरथ के पहिए डगमगाने लग जाए, तब काल चक्र को सुदर्शन बनकर अधर्मियों के सिर कलम करने में और आधारदायी चक्र बनकर धर्मरथ को सुस्थिर करने में अवधि नहीं लगती। आखिर मुझे भी तो दूत बनकर जाना ही पड़ा था। जब पांडवों को सुई की नोक पर बस जाए इतनी भी भूमि मना कर दी गई, तब धर्म स्थापना के लिए धर्म युद्ध तो छिड़ना ही था। बहुत महारथी मारे गए, बहुत महारथी जिए, विजयी हुए। पांडवों की विजय हुई, जय जयकार हुई। कई लोगों ने राधेय कर्ण एवं दुर्योधन के भी गुणगान किए। मगर इस बीच जब पृथ्वी रक्त वर्ण के माणिक रत्न समान ब्रह्मांड में चमकती हुई अपने मृत पुत्रों को हाथों में लिए सीने से लगाए आक्रंद कर रही थी, चीख रही थी, द्युतित हो रही थी, एक महारथी महावीर की कहानी इसी रक्त रत्नाकर में कहीं बहसी गई, खो गई। उसी कहानी को सुनाने आया हूं, पांडवों का दूत, अर्जुन का सारथी यानी मैं। युद्ध अब छिड़ने ही वाला था। अधर्म के घने बादलों को चीर चीर कर सूर्य प्रकाश की स्वर्ण रेखा धरातल को छुए इस आशा से वो धरती अपनी सांस थाम कर बैठी थी। मगर वो क्या जानती थी कि 18 अक्षौहिणी योद्धाओं की महासेना आपस में लड़कर मानो लोहे के वर्क की तरह उसे ढक देगी। भेरी दुंदुभियों की गूंजती हुई आवाज, मदोन्मत्त हाथियों के गले में विराजमान घुंघरुओं की झनकार, घोड़ों के पैरों की लयबद्ध दौड़, महारथियों के शंखों की गूंज मानो युद्ध देवता कार्तिकेय का आवाहन कर भूकंप लाने की तैयारी कर रहे थे। भारत के हर कोने से भूप भूपालों के वृंद दोनों चतुरंग महासेनाओं को सहाय करने प्रस्थान कर चुके थे। मेरी यादवी सर्वविजयी सेना कौरवों के साथ और मैं स्वयं पांडवों के साथ लड़ने के लिए सज्ज थे। तभी मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। सवाल ये कि कुरुक्षेत्र के इस नक्शे पर कौरवों एवं पांडवों की सेनाओं के बीच छिड़ा ये युद्ध कितने दिन चलेगा? कुशल धनुर्धर अपने शरों के पटल छोड़ समस्त आकाश आच्छादित कर देंगे। प्रभिन्न वारणों के पैरों तले न जाने कितने सैनिकों के सर मसले जाएंगे। अश्वरथों की दौड़ से उछली मृत्तिका दृष्टि को धुंधला कर देगी। माना कि तलवारें जब तेजोमय विद्युत समान खनक पड़ेगी तब उनसे खंडित शरीरों से रक्त की बरसात होगी।
किंतु हाथी घोड़े रथ एवं शूल खड़गधारी योद्धाओं से बनी यह चतुरंग महासेना युद्ध भूमि पर लड़ेगी कितने दिन। कौन कौन कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्ति तक पहुंचा सकता है? मैं वीर दुर्योधन 28 दिन लूंगा, मैं कर्ण 27 दिन, आचार्य द्रोण 20 दिन, अर्जुन 22 दिन, पितामह भीष्म 18 दिन, एक क्षण। कौन था वो जो एक क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर पाता है? वो था बारबरीक, कौंतेय भीम का पोता और हिडिंबात्मज घटोत्कच का बेटा। वो था बारबरीक। अपनी जननी पर निस्सीम प्रेम के कारण उससे वचनबद्ध होकर युद्ध में जो दुर्बल सेना हो उसी सेना की तरफ से लड़ उसका हाथ बटाने इस युद्ध में शामिल होने वो आया था। नाम था बारबरीक। उसे वरदान स्वरूप 3 दिव्य बाण प्राप्त थे। उसका पहला बाण उस हर एक इंसान को अपने लक्ष्य में लेता जिसे वो मारना चाहे। उसका दूसरा बाण उन सभी को अपने लक्ष्य में लेता जिन्हें वो विनाश से बचाना चाहे। और उसका तीसरा अभिमंत्रित बाण बारबरीक का आदेश मान जिन्हें मारना है उन सभी का संहार कर देता। और ये सब बस एक क्षण में। बारबरीक का हाथ पकड़कर मैं उसे एक ऐसी निरव प्रकाशमान जगह पर ले जाना चाहता था जहां हमारे अलावा और कोई भी न हो। मैंने उसे पेड़ के सभी हरे पत्तों को अपना निशाना बनाने को कहा।
मगर वो क्या जानता था, उन सभी हरे पत्तों में से एक पत्ता मैंने। सूर्य प्रकाश तक जिन हरे पत्तों को छू न सका, उन सभी पत्तों को उसके बाण ने अपने लक्ष्य में ले लिया था। शायद बारबारिक को पता चल गया था कि उस पेड़ का एक हरा पत्ता मेरे पैरों तले छिपा है, शायद उसी कारण उसका वो बाण। अपनी जननी को दिए वचन का और अपने क्षात्र धर्म का पालन करने के पश्चात ही वो इस युद्ध में लड़ पाता। किंतु उसकी अद्वितीय अमेय शक्ति के कारण वो जिस तरफ से लड़ता, वो सेना अतीव बलशाली और उससे विरुद्ध खड़ी सेना दुर्बल हो जाती। इस तरह वो दोनों सेनाओं के समस्त योद्धाओं का सर्वविनाश कर देता। मैं भी तो सब पलक झपकते समाप्त कर सकता था, किंतु विधि के विधानानुसार वो मेरा कर्म नहीं था। किसी और के हाथों इस युद्ध की समाप्ति लिखी है और वो बारबरिक भी नहीं था। बारबरिक की आंखें खुल गई थी। उसकी माता का वचन उससे भंग ना हो, इसलिए मुझसे प्राप्त मार्गदर्शन का स्वयं को ऋणी मान मैं जो मांगू वो मेरे चरणों में लाकर अर्पण करना चाहता था। मैंने आहुति स्वरूप उससे उसका उत्तमांग मांगा। उसके त्याग से, उसके रक्त से ये भूमि पावन हो जाए। अपना सर काट कर मुझे देने से पहले उसकी एक विनती थी। ये समस्त महायुद्ध वो अपने नेत्रों से देखना चाहता था, और मैंने अर्थात मैंने वो विनती मान ली। युद्ध अब छिड़ चुका था। जहां तक दृष्टि पहुंच पाए उससे भी परे तक सेनाओं के दल फैल चुके थे। क्षितिज तक गूंजते हुए भेरी दुंदुभी, योद्धाओं के शंख और आसमान ढक देने वाले शरों के पटल मानो आने वाले महाविनाश की चेतावनी दे रहे थे। तो न भविष्यति, ऐसा ये महायुद्ध वीरता, निष्ठा, साहस और त्याग का मानचिन्ह बन इतिहास के पन्नों पर छप गया था। पत्नियों की मांगों से विस्खलित हुई सिंदूर की रेखा पुनः भूमि पर लाल समुद्रों के रूप में छलक रही थी। युद्ध का प्रयोजन पूर्ण हुआ। अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त कर ली थी।
इन्हीं विजयी पांडवों के बीच चर्चा करते समय एक सवाल जाग उठा। कहते हैं योद्धा मानी होते हुए भी विनीत और नम्र होते हैं, उनका मन अचल होता है, किंतु जीत की मदिरा जब मति को धुंधला कर देती है तब अहंकारी शब्द जिह्वाग्र से बाणों की तरह निकलने लगते हैं। इस युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, किसने सेना को जिताया एवं जीत का सर्वश्रेय किसे जाता है, ऐसे सवाल जवाबों ने विनम्र आभार प्रदर्शन का स्थान छीन लिया था। इन सभी को एक अत्यंत स्वार्थहीन, विनम्र और अहंकार रहित पुरुष से मिलाने का संकल्प मैंने मन में कर लिया था। भरी सभा में पांडवों के समक्ष बारबरिक ने कहा, हे माधव, मैंने पर्वत से सिर्फ दो दृश्य देखे। एक तो अधर्मियों की आहुति बनाकर उनका भक्षण करने वाली याज्ञसेनी रूपी महाकाली की क्षुधित जिह्वा और पापियों का मर्दन करने वाला एक दिव्य स्वर्ण चक्र। ये सुनकर पांडवों की आंखों में लज्जा युक्त नमी भराने के कारण उनके सिर झुक गए। मेरी भी आंखों में उस दिन जलबिंदु प्रकट हो गए, न सुख के न दुख के, बस एक शोकमय संतुष्टता के।